बनियाडी तहसील क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के विरुद्ध अभियान का जायजा वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया। इस क्रम में SDPO अनिल सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार व CCL परियोजना पदाधिकारी SK सिंह ने शुक्रवार को दल बल के साथ ओपन कास्ट माइंस व सती घाट में चल रहे डोजरिंग अभियान का निरीक्षण किया। वहीं कबरीबाग माइंस के समीप भी अवैध खनन की सूचना पर टीम ने छापेमारी की, जहां से कुछ लोगों को अवैध खनन करते हुए हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस बाबत SDPO अनिल सिंह ने बताया कि बनियाडी CCL क्षेत्र में अवैध खनन एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनी हुई है। पुलिस इस दिशा में लगातार अभियान चला रही है। इस क्रम में कई गिरफ्तारियां भी हुई है और पुलिस आगे भी इस दिशा में कार्रवाई करती रहेगी। रात में आइए तो पकड़ लेते हैं साले को। परसों हम वो रात में आए थे, पकड़ाया नहीं, हमको नहीं पता था ना आपके जो माइनिंग सरदार थे। बोल देता है कि फ्यूल खत्म, नहीं वो नहीं होगा, वो तो हम भरवा के रखते हैं। वो जो है ना सर, उस साइड में डोजर कैसे खुल जाएगा? बोले डोजर उधर रखिए, जैसे ही कोई नहीं, आज कंप्लेंट बंद नहीं हो सकता है। देखिए इलीगल कॉल हम लोग बताए और उसका स्मगलिंग के खिलाफ हमारा जो अभियान है ऑपरेशन जारी रहेगा, उसमें कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। और हमने पिछले 3 महीने से इस पर काफ़ी कार्रवाई की है। जो इलीगल रूप से जो खनता चलाया जा रहा था उस पर लगातार डोजरिंग की गई है, FIR भी की गई है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और इसमें आगे भी अभियान को में तेज़ी लाया जाएगा। और आज सती घाट और जो CCL ओपन कास्ट का जो पीछे वाला भाग है वहाँ कुछ कोयला चोरों द्वारा पुनः इलीगल माइनिंग का कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया है, जिसे मतलब फिलिंग किया जा रहा है और ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी इलीगल।